इसीलिए मैं यूज़ करूँगी अपना फ़ोन. और मेरा जो फ़ोन है वो है MI 4 का, ये क्या है, ये Redmi Note 4, सॉरी. सो लेट्स मूव ऑन. हाउ तो आपका अगर तो अगर आप तो अगर आप Hi guys, welcome back to my channel. और आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि कैसे आप एक YouTube वीडियो बना सकते हैं from starting to end. So if you are interested in knowing how to do this, then please keep on watching. आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं यहाँ पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. All you have to do is just hit that subscribe button जो इस वीडियो के बिल्कुल नीचे है, and छोटी सी घंटी बनी होगी उसके जस्ट बाजू में, उसको भी हिट कर दीजिएगा so that you do not miss on any video like this. और अगर आप टेक वीडियोस देखना चाहते हैं या इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं, डू कम बैक ऑन एवरी वेंसडे. आई डू पोस्ट टेक वीडियोस ऑन एवरी वेंसडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट हाउ आई फिल्म इट, कि मैं कैसे वीडियो फिल्म करती हूँ. एंड सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ. दो इस टाइप का वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट आप लोग को एक होलिस्टिक व्यू मिल सके, एक कम्प्लीट व्यू मिल सके कि कैसे आप भी एक वीडियो को ईजिली बना कर एडिट करके अपलोड कर सकते हैं. आई एम डूइंग दिस ऑल ओवर अगेन. सो आज की वीडियो में मैं एक्चुअली एक DIY वीडियो फिल्म करने वाली थी. सो आई थॉट कि मैं फिल्म कर लूँगी कि मैं कैसे फिल्म करती हूँ अपना DIY वीडियो. बहुत ज़्यादा फिल्मिंग हो गया. सो विदाउट मी मच टॉकिंग, लेट्स गेट इन टू द वीडियो राइट अवे. सो अभी जो है जो भी आप फुटेज देखोगे वो मैं फिल्म कर रही हूँ अपने DSLR कैमरे से, विच इज़ निकॉन D5200. एंड जो DIY वीडियो मैं फिल्म करती हूँ, दैट आई यूजली डू फ्रॉम माई फ़ोन, क्योंकि DIY वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा यू नो एफर्ट नहीं लगता एडिटिंग के लिए. मैं ज़्यादातर चीज़ें फ़ोन पे कर सकती हूँ. अब जब मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ वो है Redmi Note 4. जो ऐप्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक्स डाल दूँगी. बट फॉर फिल्मिंग मैं नॉर्मल कैमरा यूज़ कर रही हूँ. देर इज़ नो स्पेसिफिक कैमरा या कोई ऐप जो मैं डाउनलोड करती हूँ. सो लेट्स मूव ऑन हाउ आई फिल्म द इंटायर थिंग. आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. एंड यू हैव टू प्लान योर वीडियो कि आप उसको एडिटेड कैसा देखना चाहते हैं बिफोर फिल्मिंग. लाइक आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरा फाइनल वीडियो इस तरीके का दिखना चाहिए. ओनली देन यू कैन टेक द करेक्ट फुटेज. तो चाहे तो राइट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या क्या फुटेज चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल DIY वीडियो है तो आपको इंग्रीडियंट्स की फुटेज चाहिए. देन यू नीड अ फुटेज ऑफ मिक्सिंग ऑल ऑफ देम. देन यू नीड अ फुटेज ऑफ अप्लाइंग देम. और आपको एक इंट्रो और आउट्रो भी चाहिए होगा. और इक्विपमेंट्स में अगर मैं बात करूँ, यू नीड जस्ट टू इक्विपमेंट्स. एक आपका ट्राईपॉड या मोनोपॉड या फिर सेल्फी स्टिक, वट एवर इट इज़, जिसमें आप अपना फ़ोन को या कैमरे को होल्ड कर सको. एंड सेकंड इज़ योर फिल्मिंग डिवाइस. तो फ़ोन से आप करते हो तो फ़ोन, कैमरे से आप करते हो तो कैमरा. दैट इज़ ऑल दैट यू नीड. नेचुरल लाइट में फिल्म करिए, जैसे कि मैंने ये वीडियो नेचुरल लाइट में फ़िल्म किया. एंड दैट इज़ ऑल दैट यू नीड. आपको इनिशियली इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. जब भी मैं कोई DIY फिल्म करती हूँ तो मैं यूजली ज़मीन पे बैठ के करती हूँ, बिकॉज मेरा जो फर्श है ये आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग है. तो इससे एक बहुत अच्छा सा एस्थेटिक फील आता है. बट अगर आपके पास वुडन फ्लोरिंग नहीं है, आपका फर्श बहुत सुंदर नहीं है, देन इट इज़ ओके. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आप इस तरीके की प्लास्टिक शीट्स या फिर पेस्टल कलर का चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है. ये प्लास्टिक शीट है, ये मैं लोकल मार्केट से लाई थी एंड आई थिंक ये 50 rupees का मुझे मिला था. इसमें एक अच्छा सा टेक्स्चर भी है जो कि अगेन वीडियो को बहुत ब्यूटीफाई कर देता है. आप ये प्लास्टिक है इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ कि अगर कुछ गिरता है तो मेरा फर्श नहीं ख़राब होगा. और अगर कागज़ में यूज़ करती तो वो ख़राब हो सकता था. तो आप ये भी कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर को लैमिनेट करा लीजिए तो आपको वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा. सो दैट इज़ जस्ट अ टिप कि आप अपने चार्ट पेपर, पेस्टल कलर का चार्ट पेपर लीजिए और उसको लैमिनेट करा लीजिए, या 2-3 चार्ट पेपर्स का, यू नो, कोई भी एक अच्छा सा कोलाज टाइप का बना करके आप उसको लैमिनेट करा लीजिए, जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक चल सके. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने इंग्रीडियंट्स को कैसे डिस्प्ले करते हो. सो देर आर लॉट ऑफ वेज. आप जैसे चाहे वैसे प्लान कर सकते हो. कुछ लोग जो है ओवर द प्रोसेस वो अपने इंग्रीडियंट्स के बारे में बात करते जाते हैं. मुझे पर्सनली पसंद है कि मैं एक एक इंग्रीडियंट दिखाऊं एंड देन आई टॉक अबाउट देम एंड देन मैं फाइनल प्रोसेस जो है करूँ. डिपेंड्स ऑन कि मैं कितना लंबा अपना वीडियो चाहती हूँ. इफ़ यू वॉन्ट योर वीडियो टू बी लॉन्गर, तो ऑब्वियसली आप जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का फुटेज पहले ले लोगे एंड देन यू गेट इन टू द वीडियो. DIY वीडियोज़ में मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर्स ही करती हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ मोर कन्वीनियंट. बट अगर आप टॉक थ्रू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. इट इज़ टोटली अप टू यू. सो अभी मेरे पास, मैं एक फेस पैक प्रिपेयर करने जा रही हूँ विच इज़ फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन.
सो फॉर दैट मुझे तीन चीज़ों की ज़रूरत है. सो सबसे पहले जो भी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उनकी एक छोटी छोटी फुटेज जो है अपने फ़ोन से ले लूँगी. सो यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ. आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एक फ़ोटो भी खींच करके उसको लगा सकते हैं. इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको फुटेज चाहिए या फिर आप जो है पिक्चर लगाना चाहते हैं. फुटेज कैप्चर कर लिया ऑफ द प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैं इसका मिक्सचर प्रिपेयर करूँ. सो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे दोनों हाथ को फ्री करना पड़ेगा. सो आइदर आप जो है किसी की हेल्प ले सकते हो जो कि आपका कैमरा पकड़ सके या आपका फ़ोन पकड़ सके, या फिर आप एक ट्राईपॉड में इसको लगा सकते हो. बट क्योंकि मेरा ट्राईपॉड अभी एंगेज्ड है जिसपे मेरा ये कैमरा लगा हुआ है, ये वाला जिसमें से मैं ये फिल्म कर रही हूँ, सो आप सेल्फी स्टिक भी ले सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन को ऐसे रख दीजिए कि आपका जो है फुटेज कैप्चर हो सके. सो आई वुड से कि बेस्ट इज़ कि आप सेल्फी स्टिक ले लीजिए या फिर एक ट्राईपॉड स्टैंड ले लीजिए. उससे आपको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए पड़ेगी एंड आप ईज़िली इसको फिल्म कर पाओगे. सो मैं यहाँ पर एक ये मेरा ट्राईपॉड स्टैंड था जो कि टूट चुका है, बट बाकी चीज़ें उसकी जो है ठीक थी, तो मैं ये यूज़ करूँगी. और ऑब्वियसली आप सोच रहे हो मैं इसको खड़ा कैसे करूँगी. जी मैं एक्चुअली क्या करने वाली हूँ, मेरे पास ये जो ट्राईपॉड स्टैंड था ये मैंने अपने एक्चुअली बेड में घुसा लिया जिससे कि मुझे अब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आपके पास भी कोई सेल्फी स्टिक है तो आप सिंपली उसको ऐसे करके प्लग इन कर सकते हो एंड यू आर रेडी. इससे आपको करेक्ट एंगल भी मिल जाता है एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फिल्म. सिंस माई सेटअप इज़ रेडी आई कैन ईजिली जस्ट स्टार्ट फिल्मिंग. सो या दैट इज़ हाउ आई फिल्म माई वीडियो. एटलीस्ट DIY वीडियोज़ तो मैं इसी तरीके से फिल्म करती हूँ. एंड एडिटिंग के लिए आप चाहे तो अपने फ़ोन पे एडिट कर लीजिए. इफ़ यू वांट टू गो मोर फैंसी आप अपने लैपटॉप पे जा करके फिर एडिट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल अप टू यू. सो या दैट वॉज ऑल फॉर हाउ यू कैन फिल्म अ वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे एडिट करूँगी इसी वीडियो को. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वेंसडे. एंड बाय द टाइम इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. एंड या आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.